cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं किरण नदार म्यूजियम ऑफ आर्ट आया हूं, जो कि मालविया नगर मेट्रो स्टेशन के नियर है, दिल्ली में ये पड़ता है। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 10 से 6:30 बजे खुल जाता है, और ये 7 डेज नहीं खुलता, मैं आपको पहले बता दूं। और ये मंडे को ऑफ रहता है। तो यहां से आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरती के साथ इसको यहां पे मेंटेन किया जाता है। देखिए यहाँ पे बाहर से भी आप पूरा नज़ारा ले सकते हैं। पिक्चर खिंचाने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहीं से अब हम अंदर चलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से इस चीज़ों को दिखाया गया है, पुराने टाइम की चीज़ें। तो चलिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप कोई बैग लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको जमा कराना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। एंट्री से पहले आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी अंदर एंट्री होगी। तो यहीं से हम चलते हैं अंदर। ये देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, सबसे पहले हर प्रकार की एशियन टाइम की सीनरी, जहाँ पर सीनरी के द्वारा बहुत कुछ दर्शाया गया है, जिसे आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को क्लिक करके आप बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने भी क्लिक करके देखा, यहाँ पे थोड़ा सा हर प्रकार की एशियंट चीज़ें जो होती हैं दिखाई गई हैं, किस तरह से पिक्चर द्वारा दिखाई गई हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा जब आप सामने से इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने भी क्लिक करके कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी। और ये आ गए, अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्स पे, यहाँ पर जो भी प्रकार की आपको आर्ट आता है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं और दिखा सकते हैं आर्ट के द्वारा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ पजल टाइप का है जो आपको बनाना है। और यहाँ से कुछ लड़कियाँ बनाते हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से लड़कियाँ बना रही हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया आपको दिखाने के लिए, यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इंजॉयबल है, आप भी यहाँ पर आए तो इसको एंजॉय करें। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही डार्क रूम है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी है, प्रोजेक्ट द्वारा आपको दिखाया जाता है। और आपको यहाँ लेट के आपको ये देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट द्वारा इसको दर्शाया गया है, जिसको आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप लेटेंगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल इसी के अंदर ही हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, और यहां से आप देख सकेंगे कि ये इस प्रकार उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल्स पे आप जो भी आपको आर्ट्स आता है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया, अभी यहाँ से देखते हैं। और ये फिर से एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे पजल्स बनाते हो गर्ल्स को। ये देखिए मैंने भी यहाँ ट्राई किया, कुछ बनाने की कोशिश किया। देखते कि किस प्रकार से सबने यहाँ पे अपना अपना आर्ट अपने हिसाब से किया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ बुक्स रखी गई हैं, जिसे आप यहाँ पे इजीली बैठ के यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत एशियन टाइम की बुक्स दिखाई गई हैं, बहुत तरह की चीजें बताई गई हैं, कैसे कैसे आप एशियन टाइम में रहते थे। ये देख सकते हैं कितने प्रकार की बुक्स रखी गई हैं, आराम से बैठ के आप पढ़ें अगर आप यहाँ पे बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो।
और यहाँ से ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट बना रखा है जहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं सेवन सिस्टर सॉन्ग लाइन। तो यहाँ पे आप इजीली अच्छी अच्छी फोटोएं खिंचवा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एरिया है फोटो खिंचवाने का। ये देखिए कैसे सभी फोटो खिंचवा रहे हैं, थोड़ा सा डार्क एरिया है लेकिन फोटो आपकी बहुत अच्छी आएगी अगर आप फोटो खिंचवाने के शौकीन हैं। और यहाँ से आप आगे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह है हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा वर्थी है, जहाँ आपके आके बहुत अच्छा लगेगा और देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार प्रोजेक्ट के द्वारा लाइटिंग शो है, जो कि वाकई ही आपको बहुत ही मजा आएगा जब आप सामने से देखेंगे और आप एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ही शानदार होगा। ये देखिए कैसे किस तरह से हर चीज को यहाँ पे दिखाया गया। जैसे जैसे यहाँ पर लाइट का कलर है वो चेंज होगा, आप बैठ के वहां पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक जगह पर बैठकर ऐसा लगेगा जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं, हमने वहां पे एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको प्रोजेक्ट द्वारा दिखाया गया है, बिल्कुल एक एक बार में आप उठेंगे ही नहीं, दो दो तीन तीन बार यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पार्ट है जो हमारे वीडियो का इसके लास्ट पार्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे आप। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको पूरा एक ये जो म्यूजियम है इसको कवर करने की कोशिश करी है। यहीं से मैं आपसे इजाजत लूंगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।